वेलकम बैक टू द माय न्यू ब्लॉग। होप आप सभी अच्छे होंगे। तो मैं आज आपको लेके आऊँ राजदा गार्डन में, जहाँ पे कि ये सरदार जी के नाम से एक रेस्टोरेंट है। और यहाँ पे देखते हैं पहले अंदर जाके कि यहाँ पे इनका जो एम्बियंस है वो कैसे रहने वाला है, और यहाँ पे जो यूनिक जो फूडनेस यहाँ पे मिलती है वो कैसे रहेगी। अगर मैं यहाँ पे बता दूं, जो यहाँ पे आने के लिए सबसे नियर बाय मेट्रो स्टेशन रहेगा वो रहेगा यहाँ पे राजा गार्डन, जो कि नियर बाय मेट्रो स्टेशन है। और यहाँ से बाय वॉकिंग डिस्टेंस भी यहाँ पे आप आ सकते हैं, जो कि बहुत ही पास में। और यहाँ पे प्लेटर्स वगैरह, तो यहाँ पे मैंने बहुत सुना है कि यहाँ पे प्लेटर्स बहुत अच्छी यहाँ पे दी जाती है और बहुत कम प्राइस में यहाँ पे मिल जाता है, जो कि वेज और नॉन वेज दोनों यहाँ पे मिलते हैं। तो अभी अंदर चल के देखेंगे कि यहाँ पे ऐसा क्या मिलता है जो कि यहाँ पे लोग बहुत ही पसंद करते हैं यहाँ पे फूड को। अंदर चलते हैं पहले। तो अभी जो हम अंदर एम्बियंस है, मेरे को तो बहुत प्यारा लगा है यहाँ का जो एम्बियंस है। तो अभी अंदर आया तो यहाँ पे भैया है, जो कि यहाँ पे जो सरदार जी का जो फैमिली रेस्टोरेंट है वो यहाँ पे ये देखते हैं। हेलो भैया, कैसे हैं आप? बढ़िया सर। क्या नेम आपका? दीपक सर। अच्छा, दीपक जी हैं ये। तो अभी जो मेरे को यहाँ पे, मैं यहाँ पे आया हूँ, तो यहाँ पे अगर कोई कस्टमर्स आता है तो उसके लिए यहाँ पे बेटर क्या है, ऑफर्स वगैरह और क्या यहाँ पे है जिससे कि कस्टमर्स यहाँ पे आए? कस्टमर हमारे पास डिस्काउंट भी अच्छा मिल जाता है। ओके। और फूड क्वालिटी भी हमारे सबसे बेस्ट है। ओके। और सबसे अच्छी चीज हमारे पास कि हमारे पास इतना पार्टी कुछ का हॉल है, और पार्टी हो सकती है। अच्छा, नीचे जो पार्टी एक हॉल है वहाँ पे मैं आपको लेके चलूंगा, वहाँ का जो एम्बियंस है वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। और जो पार्टीज वगैरह, जो अगर आपको बर्थडे पार्टी करनी है या कोई कोई फंक्शन करना है तो उसके लिए यहाँ पे अरेंजमेंट है, जहाँ पे मैं अभी आपको लेके भी चलूंगा। और प्लेटर्स यहाँ पे है वो बहुत ही कम प्राइस पे आपको मिल जाती है राजा गार्डन में। इस प्राइस पे यहाँ पे मिलना बहुत ही मुश्किल है। और टेस्ट है वो तो मैं आपको अभी मैं करके बता ही दूंगा कि यहाँ का टेस्ट कैसे रहता है। और यहाँ पे काफी लोग अभी आ भी रहे हैं, तो अभी नीचे चलते हैं, देन फिर आपको उसका रिव्यू देते हैं कि यहाँ पे कैसा रहने वाला है। भाई, यहाँ का जो एम्बियंस है मुझे बहुत बढ़िया लगा है। और ये देख लीजिए भाई, यहाँ का जो व्यूज है भाई बहुत ही बढ़िया लग रहा है। यहाँ की लाइटिंग देखो, और यहाँ पे जो इन्होंने सिटिंग अरेंजमेंट और यहाँ पे ड्रिंक्स वगैरह के लिए बना रखा है, अगर किसी का जैसे कोई एनिवर्सरी वगैरह भी अगर किसी को सेलिब्रेशन करनी हो या बर्थडे पार्टी करनी हो उसके लिए जो स्टेज है वो ही है। और यहाँ पे डीजे के लिए भी शायद यहाँ पे अवेलेबल है कि यहाँ पे डीजे का भी अगर कहीं प्रोग्राम यहाँ पे रखना हो तो वो भी यहाँ पे फ्लोर यहाँ पे बना हुआ है। तो स्पेस काफी अच्छा है यहाँ पे, और भाई एम्बियंस तो मेरे को बहुत प्यारा लगा ही है। तो अभी यहाँ पे किचन में चलते हैं और किचन में चल के देखते हैं कि भाई यहाँ पे जो तैयार किया जाता है वो कैसा यहाँ पे रहता है। तो ये देख लीजिए पहले, ये यहाँ पे तंदूर के जो आइटम है वो यहाँ पे तैयार हो रहे हैं। और अभी यहाँ पे देखते हैं और क्या तैयार कर रहे हैं, क्या बना रहे भैया यहाँ पे? ये यहाँ पे बिरयानी तैयार हो रही है, वेज मिक्स वेज, वेलकम बिरयानी यहाँ पे। भाई ये देखो यहाँ का भाई, यहाँ पे बहुत ही बढ़िया लग रहा है कि जो यहाँ पे तैयार कर रहे हैं। ये क्या है भैया इसमें? ये ग्रेवी इसमें डाली है अभी। अच्छा अच्छा, ये टमाटर की, ये टमाटर की यहाँ पे क्योरी है। अब इसके साथ में हम देंगे रायता। तो ये इसमें अभी इसके साथ में जो हमें मिलता है वो रायता मिलेगा, क्योंकि भाई बिरयानी के साथ में रायता एक खाने का कुछ अलग ही मजा होता है। बिल्कुल। तो ये तो टेस्ट करने के बाद ही पता लगेगा उसका टेस्ट कैसा रहता है। और ये इन्होंने यहाँ पे जो नॉर्मली हम घर में भी जो मसाले यूज करते हैं, तो इन्होंने जो किचन किंग है वही यहाँ पे ये यूज कर रहे हैं। ये इन्होंने डाल दिया हरा धनिया, ये एक बार क्लोज से दिखा दो, जो इसका जो कलर आया है ना वो बहुत बढ़िया है, बढ़िया से डाल दिया इसके अंदर बटर। ये देखो एक बार भाई, ये देखो भाई पनीर के जो पीस है ना वो बहुत अच्छे खासे हैं, बढ़िया क्वांटिटी इनकी रहती है। इसके अंदर और क्या अलावा भैया? नॉनवेज प्लेटर भी यहाँ पे तैयार हो रहा है, जो कि मैंने ऑर्डर भी किया है, जो मैंने ऑर्डर किया नॉनवेज प्लेटर, तो वो इसके अंदर तंदूर के अंदर है। ये एक बार देख लो भाई इसके जो पीसेस हैं, ये क्या क्या है भैया इसमें? ये अफगानी है सर, ये तंदूरी है। अच्छा, ये तंदूरी है और ये है अफगानी, और इसके अंदर जो चिकन सीख कबाब रहेगा, मटन सीख कबाब है यहाँ पे है, ये देखिए ये चिकन सीख कबाब और ये है मटन सीख कबाब। भाई इसका जो कलर है ना वो बहुत बढ़िया आ गया है इसके अंदर। और अभी ये जो कटिंग होगी, और ये हो गई है यहाँ पे प्लेटर रेडी, यहाँ पे सर्विंग कर दिया, यहाँ पे हरा धनिया इसके ऊपर डाला है,
और ये देखो ये जो है ना ये सर क्या भी है, ये टमाटर से बनाया, टमाटर से रोज बनाया। अच्छा टमाटर से जो रोज है वो बनाया, बहुत ही प्यारा लग रहा है। इसका यही करूंगा कि यहाँ पे खाने का जो टेस्ट होना वो भी बहुत बढ़िया रहे। अभी हमारी वेज दम बिरयानी एक बार यहाँ पे देख लो कि वेज दम बिरयानी जो है वो यहाँ पे रेडी हो चुकी है भाई। कलर बहुत बढ़िया आ गया है, ये देखिए जो गार्निशिंग है उसके लिए ये अभी पुदीना भी डालेंगे उसके ऊपर, और पुदीने का जो टेस्ट भी है वो भी बहुत बढ़िया हो जाता है। ये देखिए भाई जो खुशबू आ रही है ना वो तो बहुत बढ़िया आ रही है। मन तो कर रहा है मैं यहीं पे खाऊं लेकिन नहीं, लेकिन टेबल पे ही खाएंगे। एक बार गार्निशिंग पुदीने की, ये गार्निशिंग कर दी है यहाँ पे पुदीने की भाई, बहुत बढ़िया तरीके से यहाँ पे रेडी किया जाता है। और ये यहाँ पे प्लेटर ये रेडी हो रहा है, इसमें डाल दिया है। इसमें क्या क्या है? तंदूरी चिकन, चिकन सीख कबाब है और मटन सीख कबाब इसके अंदर डाला है, और प्लेटर्स यहाँ पे मोस्टली अब रेडी ही होने वाली है। ये इसके ऊपर कर दिया, धनिया डाल दिया है, और ये देखो ये रेडी हो गया। ये देखो एक बार भाई बहुत ही बढ़िया लग रहा है ये, और ये अब जा रहा है टेबल पे। तो अभी बाहर चलते हैं और उसके बाद में इसको टेस्ट करते हैं, देन उसके बाद में रिव्यूज देते हैं कि इसका टेस्ट कैसा रहने वाला है। भाई ये है हमारे पास में लैग पीस, और इस लैग पीस को खाने का तो कुछ अलग ही मजा होगा। तो इसे पहले टेस्ट कर लेते हैं कि इसका टेस्ट कैसा रहता है। भाई मजा आ जाएगा अगर ये लैग पीस अगर आप खा रहे हैं। मैं तो यहाँ पे टेस्ट कर ही रहा हूँ, आप लोग कब आ रहे हैं कमेंट करके जरूर बताना। और ये देखिए ये भी बड़े ही अंदाज में जिसको टेस्ट करने के लिए लग रही है। मैडम आप भी बता दीजिए इसका टेस्ट कैसा है, बताइए बताइए। ये कबाब टेस्ट कर रही है क्योंकि सावन लग रहा था, उसके बाद में हम सोच रहे थे कि सावन कब खत्म होंगे। और कैसा लग रहा है आपको? अच्छा टेस्ट बहुत अच्छा है, तो इनको बहुत बढ़िया लगा है जो कबाब का जो टेस्ट है। और मुझे ये लेग पीस मुझे तो खाने में बहुत मजा आ रहा है भाई। राजा गार्डन के अंदर अगर आप प्लेटर्स अगर आप कहीं ढूंढ रहे हैं तो सरदार जी फैमिली रेस्टोरेंट बहुत ही बढ़िया है, जो कि एक चीज की मेट्रो स्टेशन के बहुत ही नियर बाई में है। एक तो वो आपको बहुत बढ़िया है, और यहाँ पे एम्बियंस वो बहुत बढ़िया लगेगा आपको। नॉन वेज और वेज दोनों में ही प्लेटर्स भी मिल जाते हैं, और मेन कोर्स वगैरह ये भी सारी आपके यहाँ पे अवेलेबल रहती है। ये देखिए ये है कबाब, जो कि चिकन कबाब है। अभी इन्होंने मटन कबाब इन्होंने टेस्ट किया था तो उसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया लगा। और ये देखिए इसके साथ में ये चटनी ले लीजिए, भाई बहुत ही बढ़िया है, मुझे तो मजा आ रहा है। और यहाँ पे जो अभी वेज के अंदर जो भी हमने ऑर्डर किया था वो यहाँ पे पनीर टिक्का था, तो एक बार पनीर टिक्का भी मैंने अपनी प्लेट में रख रखा है, इसको भी टेस्ट कर लेते हैं। अगर कोई वेज में अगर कोई खाने के लिए आता है तो उसको यहाँ पे कैसा टेस्ट रहता है वो जरूर बता देता हूँ मैं। भाई बोले ना मक्खन, पनीर टिक्का ऐसे है कि मुंह में जाके पिघल जाएगा बिल्कुल, इतने बड़े बड़े पीस है। ये देखिए आप लोगों के मुंह में पानी तो आ ही रहा होगा, मुझे तो बहुत बढ़िया लग रहा है। मैं भी यहाँ पे
टेस्ट अपने खाने का एंजॉय करता हूँ और मिलते हैं बाद में। तो आज मेरे साथ में हाय गाइस भाई है, आज हम टेस्ट कर रहे हैं पनीर टिक्का। तो ये पनीर टिक्का टेस्ट कर रहे हैं, बहुत बढ़िया टेस्ट है यहाँ का। हाँ सुपर भाई, कैसा टेस्ट लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। अच्छा राजा गार्डन में यहाँ पे आके अगर कोई टेस्ट करे तो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, तो इनको बहुत मजा आ रहा है। एक बार मौजूद तो और कुछ टेस्ट कर लीजिए आप। ये भी बहुत अच्छा है, अच्छा इनको बहुत ही मजा आ रहा है। सुनो भाई, ये है हमारे पास में ग्रीन सैलेड और यहाँ पे है व्हाइट सॉस पास्ता, ये देख लीजिए। अभी इसका जो रिव्यू देंगे वो देंगे मदन भाई, इन्होंने इसके ऊपर डाल दिया है नींबू, जो कि इससे और भी अच्छा टेस्ट आ जाए। एक सेकंड, रिव्यूज के मामले में बहुत बढ़िया, काफी अच्छे रहते हैं। सैलेड तो एकदम टेस्टी है, फ्रेश है, बिल्कुल फ्रेश इसको चैलेंज मिली है। ये टेस्ट करेंगे और ये इसका यूज ये बताएंगे कि इनको कैसा लगता है। बहुत अच्छा है और बहुत जूसी है। इनको जो लगा है कि काफी जूसी है और बहुत ही टेस्टी इनको लग रहा है, और जो सॉसेज यूज करे है वो भी बहुत अच्छी है। मतलब मुझे पर्सनली हर जगह का पास्ता पसंद नहीं आता, बट ये अच्छा है, बहुत ही बढ़िया, इनको बहुत टेस्टी लगा है। बाकी मिलते हैं बाद में, इनको भी एंजॉय करने दो। तो गाइज आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। जो भी इस चैनल पे न्यू हो वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।